नमस्कार दोस्तों, मैं मनसा राम रमा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SMSC गुरु पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे GDS भर्ती 2023 के बारे में। आप लोगों को पता है कि 40,889 बंपर भर्ती का जो है फायदा आप उठा सकते हैं, लेकिन फायदा तभी उठा पाएंगे जब आपको एक सटीक इंफॉर्मेशन सही तरीके से मिलती है, तभी आप जो है इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आपको किस सर्कल से फॉर्म को भरना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो पाए। आखिर में BPM, ABPM और GDS का कार्य क्या होता है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, सब कुछ यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे और पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे भरना है, इन सभी बातों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि 10वीं में कितना परसेंट होना चाहिए और कंप्यूटर, कई लोग जो है कंप्यूटर को लेकर ज्यादा परेशान हो रहे हैं, उनको हम पूरा जो है यहाँ पे जानकारी देंगे कि सर्टिफिकेट लगेगा या फिर नहीं लगेगा, अगर लगता है तो कौन सा सर्टिफिकेट काम करेगा, तो सब कुछ यहाँ पे बात करेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको सही इंफॉर्मेशन मिल पाए और वो सही जगह से फॉर्म को भर पाए जिससे कि उनका सिलेक्शन हो पाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको आप लोग देख सकते हैं कि 16 फरवरी तक आपको हर हालत में फॉर्म को भर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक होता है। 40,889 वैकेंसी है, 10वीं पास मांगा गया है। 10वीं में आपका जो है गणित और इंग्लिश ये दो सब्जेक्ट मस्ट है, यानी कि इंपॉर्टेंट होने ही चाहिए। बाकी आपको कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर का कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर की आपको जानकारी चाहिए, यानी कि सिंपल सा आप अगर मोबाइल चला लेते हैं, सिंपल सा आप कंप्यूटर को ओपन करना बंद करना ये सब जानते हैं तो ये इनफ होगा। यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट की मांग नहीं की गई है, साथ में यहाँ पे साइकिल का भी कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ ये टिक कर देना है कि हमें साइकिल चलाना आता है या फिर हमें कंप्यूटर आता है, उसमें बॉक्स में टिक कर देना है कि हाँ आता है। बाकी ये कंपलसरी है कि गणित और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आप में होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 18 से 40, देखिए एज क्राइटेरिया हमने बता दिया है कि ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है और SC ST के लिए 5 साल की छूट यहां पे है एज अ संविधान। नेक्स्ट यहां पे अगर हम बात करें कि BPM क्या होता है, ABPM क्या होता है और डाक सेवक, देखिए इनकी सैलरी की बात करें तो सैलरी में सबसे ज्यादा सैलरी होती है BPM की, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की, यानी कि 12,000 से लेकर 29,380 रुपए तक मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ABPM और डाक सेवक का जो क्राइटेरिया है वो एक ही रखा गया है, ये होता है 10,000 से 24,470। तो सिंपल सी बात है कि आपको BPM को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना है, उसके बाद ABPM और उसके बाद डाक सेवक, इन 3 प्रेफरेंस आपको याद रखनी है। अभी हम इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में भी आपको डिटेल में बता देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमने बताया है कि जिन्होंने 10वीं पास की है और परसेंटेज, देखिए परसेंटेज किसी में ग्रेड है, देखिए CBSE वालों को यहाँ पे फायदा होगा क्योंकि उनके परसेंटेज काफी ज्यादा हाई होते हैं और उनके ग्रेड में या फिर पॉइंट में नंबर अगर दिए गए हैं तो सिंपल सा क्या करना है, उनको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना है और जितना परसेंटेज बनेगा उसी के अनुसार वो परसेंटेज भर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो ग्रामीण डाक सेवक GDS जॉब जो प्रोफाइल है इसमें 3 जॉब आ जाती हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि BPM, ABPM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और एक होता है डाक सेवक। तो तीनों वैकेंसी का आपको जो है प्रेफरेंस भरना है, सबसे ऊपर BPM रहेगा, फिर ABPM रहेगा और फिर डाक सेवक का यानी कि GDS का रहने वाला है। अब इसके हम जॉब प्रोफाइल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए जो जॉब प्रोफाइल है ये यहाँ पे है कि पोस्ट मास्टर शाखा ग्राम पंचायत के लिए संपूर्ण डाक कार्य को देखने के लिए जिम्मेदार होगा, यानी कि जो मेन होगा पोस्ट ऑफिस का वो यही होने वाला है, यानी कि BPM होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि मूल रूप से शाखा का नेतृत्व BPM द्वारा ही किया जाएगा, अर्थात उसकी शाखा में किए जाने वाले कार्यों को BPM द्वारा प्रशासित किया जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे कि योजनाएं कोई भी आती है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, पैसे का जमा करना है, निकालना है, ये सारे काम जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनको बढ़ावा देना, अपनी शाखा में अधिक से अधिक खाते खोलना, यानी कि अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो उसका भी देखरेख इसी के उसमें होता है, एक हिसाब से एक मैनेजर टाइप के ये हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो अपनी शाखा में अधिक से अधिक खाते खोलने का प्रयास करना ब्रांच पोस्ट मास्टर की ही जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें कि ABPM का कार्य क्या होता है, तो देखिए ABPM एक असिस्टेंट के रूप में काम करता है BPM के, तो इसकी बात करें तो ABPM सभी मूलभूत कार्यों में शामिल है, जैसे कि स्टैंप और स्टेशनरी की बिक्री, मेल का प्रेषण और वितरण, IPPM यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जमा करना, भुगतान करना और अन्य लेन देन जो भी हैं उनको हैंडलिंग करता है ABPM। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो विभाग के हैंडहेल्ड डिवाइस स्मार्टफोन का उपयोग करके काउंटर टास्क में शाखा पोस्ट मास्टर की सहायता करना ये काम हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो ABPM का एक और कार्य है
व्यापार, खरीद और शाखा पोस्टमास्टर और आईपीओ जैसी ये चीजें हैं और अन्य पर्यवेक्षण प्राधिकारियों के साथ सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य में शामिल होता है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे शाखा जो मास्टर होता है यानी कि पोस्ट मास्टर के लिए यह आवश्यक है जब भी आदेश दिया जाए तो वो बीपीएम का संयुक्त ड्यूटी के रूप में कार्य करे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम जीडीएस की बात करें तो डाक सेवक सभी कार्यों में शामिल है, जैसे कि डाक टिकट, स्टेशनरी की बिक्री, डाक का परिवहन और वितरण, आईपीपीबी आदि जितने भी, जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है और सहित पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर द्वारा विभागीय डाकघरों आरएमएस को सौंपे गए कार्यों का जो है अनुसरण करना, ये काम हो जाता है डाक ग्रामीण डाक सेवक का। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट बात करें कि आपको फॉर्म को कहाँ से भरना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सर्कल दिया गया है, लैंग्वेज नेम दिया गया है और यूआर और ओबीसी एससी एसटी इन सबकी जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है और जितने भी स्टेट हैं उनकी वैकेंसी। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लैंग्वेज। देखिए आपको जहां से फॉर्म भरना है उस लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर बात करें हिंदी की तो जैसे यूपी बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको हिंदी अच्छे से आती है, तो हिंदी के लिए यहाँ पे कई जो है स्टेट यहाँ पे हो जाएंगे, जैसे कि बात करें तो बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी नॉर्थ ईस्ट की कंट्री हैं यानी कि स्टेट हैं तो वहां से अगर फॉर्म भरते हैं, जैसे कि राजस्थान की बात करें, तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में यहाँ पे तेलुगु हो जाएगा, ऐसे आंध्र प्रदेश में यहाँ पे तेलुगु हो जाएगा। तो जैसे तमिलनाडु के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आंध्र प्रदेश से फॉर्म भर सकते हैं, ऐसे जितने भी यूपी बिहार के स्टूडेंट्स हैं वो हरियाणा से फॉर्म भर सकते हैं, साथ में यहाँ पे अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश से भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए यूपी का कोई स्टूडेंट है अगर वो हरियाणा से फॉर्म भरता है तो उसको देखिए हिंदी आती है तो आराम से फॉर्म को भर पाएगा, और इंग्लिश देखिए सभी को लगभग आती होगी, अगर इंग्लिश आती है तो आप ज़्यादा फायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल की कट ऑफ जो है काफ़ी कम देखने को मिलती है और देखिए 4-5 लिस्ट जब जारी होती हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, तो यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स के परसेंटेज होते हैं हाई स्कूल में, तो वो जो है सिलेक्शन से कहीं ना कहीं बाहर कर देते हैं आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न, जैसे कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों है और यहाँ पे कम वैकेंसी है, तो कम वैकेंसी के चक्कर में नहीं रहना है। वैकेंसी कम होगी तो वहां पे सिलेक्शन के चांस कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं क्योंकि वहां से फॉर्म भी कम पड़ते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। साथ में यहाँ पे आप जो है किसी भी सर्कल से फॉर्म को भर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक बार कट ऑफ का वीडियो जो दिया गया है पिछला चैनल पर मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से पुराना जो 39,000 वैकेंसी आई थी वहां पे देखिए, एक बार आप देख लीजिएगा कट ऑफ कहाँ की सबसे कम गई है। और अगर आप कमेंट में कमेंट करके बताएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो कट ऑफ वाला पूरा जो है कि प्रीवियस कट ऑफ कहाँ की कम देखने को मिली है, मेरिट कहाँ की कम गई थी, वो भी हम बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए हिंदी भाषी जितने भी राज्य हैं वहां से आपको फॉर्म को भरना चाहिए, खास करके आप जैसे कि राजस्थान से फॉर्म भर दीजिए क्योंकि यहाँ पे देखिए राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश यहाँ की मेरिट काफी हाई देखने को मिलती है। तो यहाँ पे उत्तराखंड, जैसे कि उत्तर प्रदेश के साइड में है तो उत्तराखंड से फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे देखिए वैकेंसी काफी ज्यादा है, 40,889 वैकेंसी है और उसी हिसाब से फॉर्म भी पड़ेंगे। मेरिट वाइज यहाँ पे होना है, कोई भी सोर्स या फिर कोई भी लेन देन रिश्वत का काम नहीं होना है, ये भी आप जो है ध्यान में रखें, किसी के बहकावे में ना आए। सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, आपको फॉर्म को सही सही फॉर्म भरना है और परसेंटेज, जो भी परसेंटेज आप डालें वो आपके हाई स्कूल मार्कशीट में होना ही चाहिए, किसी भी लालच या फिर बहकाव में ना आए, एक भी पॉइंट की गलती। देखिए ऑटो यहाँ पे ऑटोमेटिक कंप्यूटर डिसाइड करता है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या फिर नहीं आएगा, कोई पर्सन यहाँ पे डिसाइड नहीं करता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दसवीं में देखिए आपके मिनिमम यहाँ पे मैं बता दूं तो आपके लगभग 70% नंबर होने ही चाहिए, इससे अगर कम है और आप जनरल ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे बाहर हो जाएंगे, लेकिन फॉर्म आपको भर देना है अगर इसके आसपास भी नंबर आपके बन रहे हैं, जैसे कि 65% बन रहे हैं या फिर 60% से ऊपर बन रहे हैं, तो आप फॉर्म को भर दीजिएगा। आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।